सूर्यकुमार के शतक की बदौलत मुंबई ने हासिल की जीत। सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। IPL 2024 के 55वें मैच में मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से हुआ। सूर्यकुमार यादव के नाबाद शतक के दम पर मुंबई ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से मात दी। मुंबई की जीत से हैदराबाद के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को झटका लगा है। इंडियन प्रीमियर लीग में लगातार 4 हार के बाद 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को जीत मिली है। टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। यह मुंबई की 12 मैचों में 4थी जीत रही। मुंबई से सूर्यकुमार यादव ने सेंचुरी लगाई। यह उनके IPL करियर का 2रा शतक रहा। उन्होंने 51 बॉल पर 102 रन बनाए। टीम से पीयूष चावला और हार्दिक पांड्या ने भी 3-3 विकेट लिए। वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। हैदराबाद ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाए। मुंबई ने 17.2 ओवर में 3 विकेट खोकर ही टारगेट हासिल कर लिया। वानखेड़े स्टेडियम में हार्दिक पांडे की शानदार गेंदबाजी के बाद सूर्यकुमार यादव ने भी धमाकेदार शतक ठोक मुंबई इंडियंस को जीत दिला दी। दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज ने अपनी पारी में 12 चौके और 6 छक्के लगाए। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 55वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से रौंद दिया। इस मुकाबले में पहले हार्दिक पांड्या ने धारदार गेंदबाजी की और फिर सूर्यकुमार यादव ने तूफानी शतक ठोक मुंबई इंडियंस को जीत दिला दी। यह लगातार 4 हार के बाद पलटन की पहली जीत है। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 173 रन बनाए। 174 रन के लक्ष्य को मुंबई ने 18वें ओवर में सिर्फ 3 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। इससे पहले मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हैदराबाद की शुरुआत अच्छी रही और दोनों ओपनर्स ने पहले विकेट के लिए अर्धशतक की साझेदारी की। पावर प्ले के आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह ने टीम को पहली सफलता दिलाई और अभिषेक शर्मा को 11 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद डिब्यूटेंट अंशुल कंबोज ने मयंक अग्रवाल को बोल्ड कर टीम को 8 ओवर में 2री सफलता दिला दी। 11वें ओवर में ट्रेविस हेड को पीयूष चावला ने 48 के स्कोर पर पवेलियन भेजा। उन्होंने अपनी पारी में 30 गेंदों का सामना किया और 7 चौकों के साथ 1 छक्का भी लगाया। इसके बाद हार्दिक पांड्या और पीयूष चावला ने कहर बरपाया और 124 के स्कोर पर हैदराबाद के 7 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। यहां से कप्तान पैट कमिंस ने मोर्चा संभाला और टीम को 173 तक पहुंचाया। कमिंस ने 17 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 35 रन बनाए। 174 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत खराब रही और दोनों ओपनर सस्ते में पवेलियन लौट गए। पारी के दूसरे ओवर में ईशान किशन 9 रन बनाकर आउट हुए तो 4थे ओवर में रोहित शर्मा को पैट कमिंस ने आउट कर दिया। नमन धीर को भुवनेश्वर कुमार ने खाता भी नहीं खोलने दिया और 9 गेंदबाज 0 पर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद सूर्य और तिलक वर्मा ने मिलकर मुंबई को कोई और नुकसान नहीं होने दिया और 17.2 ओवर में ही मैच को खत्म कर दिया। सूर्य ने 51 गेंदों में 12 चौके और 6 छक्कों की मदद से 102 रनों की नाबाद पारी खेली तो तिलक वर्मा ने भी 37 रनों की पारी खेली। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों से बने रहने के लिए देखते रहें द खबरदार न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।